31 मई 1996, पूरा देश पार्लियामेंट से आने वाली खबरों की तरफ नजर गड़ाए बैठा था। सिर्फ 13 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर बने अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी सिद्ध नहीं कर पाए और इसी वजह से उन्हें अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस मौके पर जब उन्होंने अपनी रेजिग्नेशन स्पीच दी तो कुछ ऐसा कहा जो आगे दशकों तक याद रखा जाने वाला था। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अटल बिहारी वाजपेयी का सच जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे ग्वालियर का एक आम लड़का आगे चलकर 3 बार देश का प्रधानमंत्री बना और कैसे उन्होंने बीजेपी की शुरुआत करी जो 1985 के इलेक्शंस में सिर्फ 2 सीट्स पर जीत सकी थी और आज देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। चैप्टर 1, अ मूविंग चाइल्डहुड। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जीवन में कई शहर बदले। वो जन्मे किसी और शहर में, ग्रेजुएट कहीं और हुए और चुनाव लड़ने किसी और शहर गए। इस सफर की शुरुआत होती है ग्वालियर से, जहां एक स्कूल टीचर कृष्ण बिहारी वाजपेयी के घर जन्म होता है अटल बिहारी वाजपेयी का। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर इनका होम टाउन ग्वालियर था तो फिर इनके नाम में बिहारी का क्या मतलब है। तो मैं आपको बता दूं कि इनके मिडल नेम बिहारी का बिहार स्टेट से कोई लिंक नहीं है, बल्कि ये भगवान कृष्ण के नाम बांके बिहारी से लिया गया है। पिता के स्कूल टीचर होने के कारण घर पर पढ़ाई का काफी जोर था और इसलिए नन्हे अटल ने भी अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत इंपॉर्टेंस दी, इतनी ज्यादा कि वो 4 अलग अलग शहरों में पढ़े जिसमें उज्जैन, कानपुर, आगरा और ग्वालियर शामिल हैं। लेकिन इनका रुझान सिर्फ पढ़ाई तक ही नहीं था, बल्कि वो स्पीचेस, डिबेट्स और एक्टिविज्म में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। सिर्फ 16 साल की उम्र में वो एक बहुत ही अच्छे ओरेटर बन चुके थे। उनका अपनी बातों को कहने का तरीका ऐसा था कि कोई भी इंसान उनसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाता था। अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही RSS से जुड़े होने का नतीजा ये निकला कि पहले तो वो RSS के प्रचारक बने और जल्द ही जब देश आज़ाद हुआ तो उन्हें उत्तर प्रदेश में RSS का विस्तारक बनाकर भेजा गया। उनका काम था उत्तर प्रदेश में RSS के बड़े लीडर्स की मदद करना। चैप्टर 2, एंट्री इन पॉलिटिक्स। देश आज़ाद हो चुका था और ये वो समय था जब RSS की पॉलिटिकल ब्रांच जनसंघ एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। वैसे तो जनसंघ पार्टी की पॉपुलैरिटी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन पॉलिटिक्स में उनकी ओपोनेंट एक ऐसी पार्टी थी जो उनसे कई ज़्यादा बड़ी और मजबूत पार्टी थी, जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। जनसंघ का प्रभाव लोगों पर बढ़ रहा था और ऐसे में अब संघ ने इस पॉलिटिकल बैटल को लड़ने के लिए अपनी पहली स्टेट के तौर पर चूज किया उत्तर प्रदेश को। पार्टी के कई बड़े नेता जैसे दीनदयाल उपाध्याय यहीं से लीड कर रहे थे और उनकी मदद कर रहा था एक 27 साल का युवक जो बस 4 साल में ही RSS के एक विस्तारक से जनसंघ के नॉर्दर्न रीजन का नेशनल सेक्रेटरी बन चुका था। ये थे अटल, जिन्होंने इस बार इस पोस्ट को एक्वायर करा था अपनी डिसीजन मेकिंग और अपनी कंपेलिंग राइटिंग स्किल्स के दम पर। वो एक पोएट थे और जब उन्हें उत्तर प्रदेश भेजा गया तो उन्होंने 4-5 अखबारों के लिए आर्टिकल्स लिखने का काम करा और इसका नतीजा ये हुआ कि वो और तेज़ी से अपने कंटेम्प्रेरीज की नज़रों में आने लगे। एक पार्टी वर्कर के तौर पर उनका कद बढ़ रहा था, लेकिन अब एक सवाल ये भी था कि क्या लोग उन्हें एक पॉलिटिशियन के तौर पर देखना चाहेंगे। इसका फैसला हुआ 1957 के इलेक्शंस में, जब आज़ादी के 10 साल बाद देश में दूसरे जनरल इलेक्शंस हो रहे थे। भारतीय जनसंघ के लिए ये दूसरा इलेक्शन था। पिछले जनरल इलेक्शंस में वो बस 3 ही सीट जीत पाए थे, लेकिन इस बार काम ज़्यादा था और इसलिए अटल को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उन्हें बलरामपुर और मथुरा से चुनाव लड़ने को कहा गया। पार्टी के ही कई लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और इसका कारण था पार्टी के फाइनेंसेस। ये वो समय था जब जनसंघ के पास अपने कैंडिडेट्स को हेल्प करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं होते थे और ऐसे में इलेक्शन कैंडिडेट अपने दम पर ही लड़ता था। इस तरह की सिचुएशन में यही फॉर्मूला यूज़ किया जाता था कि अमीर कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा जाए। यहाँ तक कि नई बनी पार्टीज आज भी इस तरह का फॉर्मूला यूज़ करती हैं, लेकिन जनसंघ ने अपने एक स्किल्ड कार्यकर्ता पर भरोसा जताया और उन्हें प्रचार के लिए 2 जीप गाड़ियाँ दे दी गई। अटल बिहारी वाजपेयी ने उन 2 जीप्स पर पूरा बलरामपुर और मथुरा कवर किया और एक शानदार चुनाव लड़ा। इलेक्शन रिजल्ट्स आए तो भारतीय जनसंघ ने 4 सीट्स में जीत दर्ज करी, जिनमें से 1 सीट से जीते थे यंग अटल बिहारी वाजपेयी। मथुरा में तो उन्हें हार मिली, लेकिन बलरामपुर में वो 52% वोट शेयर के साथ MP के तौर पर चुने गए और उनकी सीधा एंट्री हुई लोकसभा में। इंटरेस्टिंगली, ये भारतीय जनसंघ की 4 सीट्स में से सबसे बड़ी जीत थी और कुछ इस तरह से यहीं से हमारे देश की एक बड़ी इंटरेस्टिंग और ग्लोरियस पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत हुई। चैप्टर 3, ही विल बिकम समथिंग वन डे। दूसरी लोकसभा का सेशन चल रहा था और अलग अलग जगहों से MPs बोल रहे थे। इसी बीच नंबर आता है बलरामपुर से सांसद अटल बिहारी वाजपेयी का। उन्होंने बोलना शुरू किया और उन्हें बोलते हुए सुनकर हर कोई हैरान था। यहाँ तक कि बाद में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने ये तक कहा था कि ये लड़का आगे चलकर जरूर ही कुछ बड़ा करेगा। अपनी विरोधी पार्टी के लीडर तक से अपनी तारीफ कराने,
कुछ ऐसी ही छवि रही थी अटल बिहारी वाजपेयी की। साल बीतते गए और इनका कद अब एक रीजनल लीडर से एक नेशनल लीडर का बन गया। हालांकि इस दौरान उन्हें चुनाव में कई बार हार का मुंह भी देखना पड़ा, जैसे 1962 के इलेक्शंस में वो लखनऊ और बलरामपुर दोनों जगहों से हार गए। फिर 1967 के चुनाव में वो सिर्फ बलरामपुर से लड़े और जीत गए। 1971 में उन्होंने सीट के साथ साथ स्टेट भी बदल ली और ग्वालियर चले गए, जहां फिर से उनकी जीत हुई। अभी तक वो अपने आप को पॉलिटिक्स में एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे और जनसंघ के विचारों को लोगों तक पहुंचा रहे थे। लेकिन फिर आता है साल 1975। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी देश में इमरजेंसी लगा देती हैं। अगले 2 सालों तक देश में इमरजेंसी चलती है और इस दौरान अटल ने आंदोलन में जितनी भागीदारी हो सकती थी उतनी भागीदारी दी। इस दौरान वो बीमार भी हुए और हॉस्पिटलाइज भी हुए, लेकिन उन्होंने आंदोलन को नहीं छोड़ा और सबने इस बात को याद भी रखा। इमरजेंसी के ही विरोध में कई पॉलिटिकल पार्टीज आगे आई और उन्होंने मिलकर कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़ा और यहीं से शुरुआत हुई जनता पार्टी की। अटल की भारतीय जनसंघ भी इस पार्टी का हिस्सा थी और अब चुनावों का नतीजा ये रहा कि जनता पार्टी ने एक स्वीपिंग मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार बनाई और देश का प्रधानमंत्री बनाया गया मोरारजी देसाई को, जो देश के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने थे। न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा था अटल बिहारी वाजपेयी ने और वो भी चुनकर लोकसभा पहुंचे और फिर मूवमेंट में उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को देखते हुए उन्हें फॉरेन मिनिस्टर भी बनाया गया। चैप्टर 4, विदेश मंत्री अटल। एक प्रधानमंत्री के तौर पर मोरारजी देसाई का करियर विवादों से भरा था, लेकिन वाजपेयी ने एक विदेश मंत्री के तौर पर बहुत शानदार काम किया। वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाकर हिंदी में भाषण दिया और ये उस वक्त हमारे देश और कल्चर के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। हालांकि अलायंसेस की ये सरकार आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकी और 1980 में दोबारा इलेक्शंस हुए। इस बार जनता पार्टी सिर्फ 31 सीट जीत सकी और कांग्रेस ने देश में सरकार बनाई और एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया श्रीमती इंदिरा गांधी जी को। इस बार जनसंघ पिछली गिरी सरकार से सीख ले चुका था और अब उसे नेशनल लेवल पर बिना किसी अलायंस के आगे बढ़ना था, इसलिए जनसंघ के सभी बड़े नेता आगे आए और जनसंघ से आगे बढ़कर एक नई पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत करने का फैसला करा। यहीं से भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई और 56 साल के अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के प्रेसिडेंट बने। 1984 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जनरल इलेक्शंस हुए और क्योंकि इस वक्त पर देश में इंदिरा गांधी और कांग्रेस के लिए बड़ी सिंपैथी की लहर थी तो दूसरी पार्टीज को बहुत कम सीट्स मिली। बीजेपी के लिए 1984 के इलेक्शंस पहले इलेक्शंस थे और इसमें उन्हें सिर्फ 2 सीट्स मिली। ये बीजेपी और अटल बिहारी वाजपेयी के लिए एक बड़ी ही डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट थी। इन इलेक्शंस में अटल ग्वालियर गए और वहां से चुनाव लड़ा। यहाँ उनके ऑपोजिशन में थे कांग्रेस के माधवराव सिंधिया, जिनकी वहाँ पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी और इसलिए अटल अपनी सीट से हार गए। वाजपेयी इस वक्त पर बीजेपी के प्रेसिडेंट थे और उनके नेतृत्व में बीजेपी अपनी हार्डलाइन हिंदू नेशनलिस्ट इमेज से दूर जा रही थी। साथ ही वो एक सेंट्रल अप्रोच से काम कर रहे थे जिससे उनकी पार्टी के लॉयल फॉलोअर्स खुश नहीं थे और इसी बात को 1984 इलेक्शंस के डिजास्ट्रस रिजल्ट्स की वजह बताया जाता है। और पार्टी प्रेसिडेंट होते हुए अपनी सीट पर भी हार जाना, ये क्लियरली इस बात का संकेत था कि पब्लिक ने वाजपेयी लेड बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया है। यहीं पर इन्होंने खुद पार्टी प्रेसिडेंटशिप छोड़ने का फैसला करा और इसीलिए 1986 में पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया एलके आडवाणी को, जिन्होंने अपनी लीडरशिप में पार्टी की हिंदू नेशनलिस्ट पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करा और राम जन्मभूमि मूवमेंट में भी डटकर काम करने का फैसला करा। यहीं से बीजेपी राम जन्मभूमि मूवमेंट की पॉलिटिकल आवाज बनी। बीजेपी ने एलके आडवाणी की लीडरशिप में ही ग्रास रूट्स पर जाकर अपना बेस बनाया और ग्रास रूट लेवल पर काम करना शुरू करा। इसका नतीजा ये हुआ कि 1989 जनरल इलेक्शंस में बीजेपी 2 सीट से 85 सीट्स पर पहुंच गई और यहीं से बीजेपी की अपवर्ड ग्रोथ शुरू हुई। इसके बाद 1991 के चुनावों में बीजेपी की सीट्स बढ़कर 120 पर पहुंच गई थी और यहीं से बीजेपी की ग्रोथ और आगे बढ़ी, क्योंकि बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद देश भर में बीजेपी का सपोर्ट बढ़ गया था। चैप्टर 5, विजनरी प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद आता है 1996, जब 11वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने थे। इनमें बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा बनाया गया अटल बिहारी वाजपेयी को। कहते हैं कि एलके आडवाणी के पास पीएम फेस बनने के लिए संघ का सपोर्ट था, लेकिन क्योंकि वाजपेयी की छवि राजनीतिक गलियारों में बेहतर थी, मॉडरेट थी और उनके पास अपने विचारों को डिफेंड करने की काबिलियत भी भरपूर थी, इसलिए एलके आडवाणी ने पार्टी प्रेसिडेंट होने के बावजूद खुद पीछे होकर अटल बिहारी वाजपेयी को पीएम कैंडिडेट का चेहरा बनाया। इसलिए दोस्तों जरूरी है कि हम एलके आडवाणी के बीजेपी और अटल बिहारी वाजपेयी के पॉलिटिकल ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करें। 1996 लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि अगले 2 सालों में 3 बार प्राइम मिनिस्टर्स बदलने वाले थे। दरअसल हुआ ये था कि चुनावों में सबसे ज्यादा सीट्स मिली बीजेपी को, जहां बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार देश के प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन ये सरकार केवल 13 दिन ही चल सकी क्योंकि वो लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं जुटा सके थे और अब प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
और जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफे का भाषण दिया वो आज भी याद करा जाता है। यही स्पीच आज अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे लोकप्रिय स्पीच के तौर पर जानी जाती है। इसके बाद HD देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और जब उनकी भी सरकार गिर जाती है तो इंदर कुमार गुजराल प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और फिर इनकी भी सरकार गिर जाती है। एक सफल सरकार ना बनने के कारण सिर्फ 2 साल बाद ही 1998 में फिर से लोकसभा चुनाव होते हैं और इस बार फिर BJP को सबसे ज़्यादा सीट्स मिली। ऐसे में कई दूसरी पार्टीज BJP के सपोर्ट में आई। NDA अलायंस फॉर्म करा गया और सेंटर में NDA की सरकार बनी, जहां प्राइम मिनिस्टर एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इस बार भी अपना टर्म पूरा नहीं कर पाई और सिर्फ 13 महीने बाद डिसॉल्व हो गई, जब AIADMK की जयललिता ने अपना सपोर्ट NDA अलायंस से खींच लिया। इन 13 महीनों में ही अटल बिहारी वाजपेयी ने साबित कर दिया था कि वो एक कुशल प्रधानमंत्री हैं और आगे भी एक सफल सरकार चलाने का कॉम्पिटेंस रखते हैं। इन 13 महीनों में कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। सबसे पहले तो पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुए, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कॉन्फ्रेंस के जरिए ये ऐलान करा कि इंडिया अब एक फुल फ्लेश्ड न्यूक्लियर स्टेट बन चुका है, जो कि हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक इवेंट था। इस डिसीजन से दुनिया की कई दूसरी बड़ी पावर्स जैसे कि USA और जापान खुश नहीं थे, क्योंकि वो भारत को एक न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने भारत पर कई सैंक्शंस भी लगाए, लेकिन इस पूरे इवेंट को वाजपेयी की सरकार ने बड़े ही अच्छे तरीके से हैंडल करा और सिचुएशन 6 महीनों में ही नॉर्मल हो गई, जहां सभी सैंक्शंस हटा दिए गए। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ पीस टॉक्स को भी महत्व दिया और पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक पीस प्रोसेस की शुरुआत भी करी, जहां कोशिश ये थी कि कश्मीर इशू को पूरी तरह सॉल्व करा जाए। लेकिन ये कोशिशें पूरी तरह फेल होती दिखी, क्योंकि अगले ही साल 1999 के मई महीने में कारगिल वॉर लड़ी गई, जहां पाकिस्तानी घुसपैठिए कश्मीर वैली तक घुसाए थे। लेकिन इंडियन आर्मी के जोरदार अटैक ने जल्दी ही पाकिस्तानी सोल्जर्स को पीछे पुश करना शुरू कर दिया और करीब 11 हफ्तों के अंदर इंडिया ने ये वॉर जीत ली। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इफ पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स डू नॉट विदड्रॉ फ्रॉम द इंडियन टेरिटरी वी विल गेट देम आउट वन वे और द अदर। भारत के लिए इस तरह का कड़ा स्टैंड लेने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को काफ़ी तारीफें मिली थी। इस दौरान क्योंकि जयललिता ने अपना अलायंस से सपोर्ट खींच लिया था तो लोकसभा डिसॉल्व कर गई और 1999 में एक बार फिर से इलेक्शंस कराए गए और इस बार नतीजा ये हुआ कि बीजेपी लेड NDA ने 543 सीट्स में से 303 सीट्स पर जीत दर्ज करी और इस बार NDA ने कंफर्टेबली एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट बना ली। अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और इस बार अपने पूरे 5 साल के टर्म के लिए प्रधानमंत्री रहे। इन 5 सालों में वाजपेयी सरकार ने देश हित में कई काम करे, जिसमें इकोनॉमी पर भी एक अच्छा असर दिखा। कई सालों से अनस्टेबल सरकारों के चलते देश का जो विकास रुका हुआ था वो इन 5 सालों में आगे बढ़ सका। वाजपेयी सरकार की कुछ सफल नीतियां थी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिनके तहत देश भर में रोड्स बनाए गए। अटल बिहारी वाजपेयी के इन 5 सालों में जो काम हुए थे उन पर तो एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है, तो उसकी चर्चा किसी और दिन करेंगे। आगे बढ़ते हुए 2004 में फिर से लोकसभा चुनाव हुए और जहां उम्मीद थी कि एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वहीं इलेक्शन रिजल्ट्स काफ़ी सरप्राइजिंग थे, जहां कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट्स मिली और सेंटर में UPA की सरकार बनी। इन चुनावों में वो रिटायरमेंट लेना चाहते थे, हालांकि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होने की वजह से ऐसा हुआ नहीं और 2004 से 2009 तक उनकी पार्लियामेंट में अटेंडेंस सिर्फ 4.5% रही। 2009 में स्टेज पर बोलते समय अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी और पता चला कि उन्हें डेमेंशिया नाम की बीमारी हो चुकी है। उस बीमारी से अटल बिहारी वाजपेयी 9 सालों तक जूझते रहे और 16 अगस्त 2018 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। हालांकि दोस्तों, उनकी पॉलिसीज, उनका बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके बनाए मजबूत फॉरेन रिलेशंस आज भी अटल हैं। अभी अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर एक फिल्म भी आ रही है और मैं पर्सनली इसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। दोस्तों, अगर अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से ऐसा कोई भी नोटेबल इवेंट है जो हमने इस वीडियो में मेंशन नहीं करा है, विच आई एम श्योर कि काफ़ी हैं, तो उसके बारे में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी के पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन में आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में उसके बारे में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। धन्यवाद।